जनपद संभल के विकास खंड पवासा गांव लालपुर के ग्रामीण आवारा पशुओं से हो रहे खेती के नुकसान को लेकर लगातार अधिकारियों से गौशाला बनवाने की गुहार लगा रहे हैं, जबकि उच्च अधिकारी द्वारा ग्राम सभा जमीन पर गौशाला चिन्हित कर दी गई है, जिसके लिए काफी समय बीत चुका है, लेकिन ग्राम प्रधान गौशाला बनवाने को तैयार नहीं है और न ही बनने दे रहा है, जिससे ग्रामवासियों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए अपनी खेती के नुकसान के संबंध में गौशाला बनवाने की मांग कर रहे हैं और बताया कि ग्राम प्रधान अपनी मनमानी करते हुए ना तो गांव में कोई विकास कार्य हुआ है और ना ही कोई सफाई अभियान चलाया गया है, जबकि भारत सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। गांव में गंदगी ही गंदगी है और कचरे के ढेर जगह जगह पड़े हुए हैं। गांव का प्रधान अनसुनी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। क्या नाम है आपका? अच्छा, जो गांव में चर्चा हो रही है गौशालाओं की, क्या समस्या है? सब भैया बड़ी मरे जा रहे हैं, हम तो रखा रखा तो मर गए, हम तो पूछा डूब कर रही है, हम तो हार गए, बैंगन सुखैला है मरे जा रहे हैं, बैंगन नहीं सुखैला है, रखा रखा खेतन में रखा रहे हैं गैंगन में, परेशान है और बड़े परेशान हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, बताओ रोज बोतल लग रही है, हम तो दो चार दिन आगे बैठेंगे हैजान खत्म, गौशाला बन जाए माता है तो। जो गौशाला चिन्हित कर दी गई है वो अभी बन नहीं रही है? ना बन नहीं बेटे, हमारी खबर योगी जी तक पहुँचा, हमारी खबर योगी तक पहुँचा, गौशाला बनवा दे हमारी और कोई मत बनना वाला, ठीक है जाओ। मेरे नाम प्रेम सिंह है। क्या मामला है? मामले हमारे यहाँ 2 महीना पहले लेखपाल ने ग्राम समाज जमीन नापी थी गौशाला के लिए 5 बीघा, और नाप के लिए चिन्हित करे चला गया, प्रधान ने कच्ची खंडी लगवाई नहीं, प्रधान ने कम्प्लीट कर दी, उसके बाद में फिर प्रधान ये कहता है कि तुम पर गौशाला बनवाइए तो बनवा ली, मैं गौशाला नहीं बनवाऊँगा, तुम पर होशा कर लो। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? हमने शिकायत BDO साहब से लेखनी है, SDM साहब ने कई बार फ़ोन कर चुके BDO साहब पे, हूँ BDO साहब सेक्रेटरी तो कहते हैं, अच्छा ये सेक्रेटरी प्रधान के बचाव के चक्कर में अभी तक गौशाला ना बनाते रहे। और इसकी शिकायत अन्य कहीं भी करी है? लिखित में आप DM साहब के यहाँ हमने शिकायत करी, DM साहब ने ये कही कि मैं सेक्रेटरी साहब BDO साहब से बोल के नहीं आपकी गौशाला बनवाऊँगा, हमें साहब ये हमारे गाँव की गौशाला बन जाए। कितना समय हो गया इस बात के लिए? 2 महीना है। क्या नाम है आपका? अरे जी, ये गौशाला को लेकर जो चर्चा हो रही है, क्या है पूरा मामला? साहब यहाँ तो कोई छुट्टी ना है, आए थे गौशाला बंदे साहब, रुके खाए थे रात को, यहाँ रात को चक्कर खाता है, चक्कर खा रहे क्या जी? शेरों का मोटा लगाओ, मैं गौशाला बनवा दूंगा, मैं गौशाला बनवा दूंगा, शेर का मोटा लगा दो, पूरे गांव की सारी तरह तैयार है गौशाला बन जानी चाहिए, तब भी मोटा शेर का मोटा लगा दो, अच्छा पूरे गांव मोटा लगा, सब बाहरे खाएंगे, खेत बालक का खाएंगे, छोटे छोटे बालक है बताओ हमारे का खाएंगे, बालक जी बता दो, रात कौन भजा है? रात बिरात साफ खाली पीरे खाली खेत सो गए, क्या घर फोन लगा भी बिजार गई है, फोन मार दे, हां प्रधान बहुत ही दलवाई दिखाता है, प्रधान कहता है आपके दम में हो दम हो तो गौशाला बनवा सकते हैं, मैं गौशाला नहीं बनवाऊंगा, नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा, आप एक बार नहीं, कौन कहता है इस बात के? प्रधान ग्राम प्रधान कहता है, आप एक बार नहीं 10 बार BDO साहब के पास जाइए, मेरे बगैर अगर कोई गौशाला बनवा दे तो मैं आपके तक चुनौती देता हूँ, प्रधान का सुपुत्र है पप्पू यादव, बस एक प्रधान के घर वाले जो परिवार वाले हैं वो भी मेरे साथ जाने को तैयार हैं, वो कहते हैं चलो अधिकारी के पास मैं चलता हूँ गौशाला बन जाए, चचा कहता है उसका भाई, चचेरा भाई कहता है, लेकिन सिर्फ प्रधान नहीं चाह रहा है गौशाला, अरे तो